जब सामने मौत खड़ी दिखाई दे रही थी तो मां की याद आई। हालांकि जब जान पर बनाए तो वो कोई भी हो सबको याद करता है, मां को, बाप को, भगवान को, और जिंदगी बचाने के लिए बार बार भगवान से गुहार लगाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में एक कैमरामैन ने मोबाइल से वीडियो बनाकर मां को अपना आखिरी और भावुक संदेश देने की कोशिश की, जिस पर ऊपर वाले को भी रहम आया और उसकी जान बच गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं कल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले की, जिसमें CRPF के 2 जवानों के साथ दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युत्यानंद साहू की भी मौत हो गई थी। इसी नक्सली हमले के दौरान फायरिंग में फंसे एक वीडियो जर्नलिस्ट मोर मुकुट शर्मा ने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुकुट शर्मा गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच अपनी मां को बेहद भावुक मैसेज दे रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। आतंकवादी हमला हो गया है, हम दंतेवाड़ा में आए थे इलेक्शन कवरेज पर, एक रास्ते से जा रहे थे, आर्मी हमारे साथ थी, अचानक घेर लिया है नक्सलियों ने। मम्मी अगर मैं जीवित बचा, गनीमत है मम्मी, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, हो सकता है इस हमले में मैं मारा जाऊँ, परिस्थिति सही नहीं है, पता नहीं क्यों मौत को सामने देखते हुए डर नहीं लग रहा है। बचना मुश्किल है, यहाँ पर 6-7 जवान हैं साथ में, चारों तरफ से घेर लिए हैं, फिर भी मैं यही कहूंगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। आप जुड़े रहिए सच कहूं के साथ।